आज बनाएंगे हॉलैंडाइज सॉस। तो हॉलैंडाइज सॉस कैसा बनाया था, तो आज वो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेसिपी के ऊपर ध्यान जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लेरिफाइड बटर लिया, जो इसके अंदर बिल्कुल सॉल्ट नहीं है। जिसको बटर का जो सॉल्ट वगैरह था वो पूरा रिमूव किया गया, उसको जला के उसके अंदर जो अपना फैट रहता है उसको जला के उसको रिमूव किया, उसको अच्छे से स्टेन करके पूरा ऑयली जैसा बटर को पहले ले लिया। और इसके साथ विनीगर वाटर है, जो विनीगर को जला के उसके तरफ पेपर डाल के इसको विनीगर बोला जाता है, विनीगर वाटर। और दो अंडे का योग लेंगे और उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। यहाँ पे वार्म वाटर है, तो यहाँ पे कांच का बॉल होता तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन मेरे पास नहीं है तो हम स्टील का बॉल ही इस्तेमाल करेंगे। अरे वार्म वाटर है, ज़्यादा हॉट नहीं, वार्म वाटर को ऊपर ये रखेंगे। और दो योग है, इसके अंदर बिल्कुल एक वाइट नहीं होना चाहिए, और योग से इसको बनाएंगे। और इसके अंदर जो बॉल आपको लेना है ना, तो इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, पानी रहेगा तो इसका जो हॉलैंडाइज हो वो नहीं बन पाएगा, फट जाएगा। तो उसको अच्छे से पोंछ लेना है और दो योग को ऐड कर देना, और इसको हल्का हाथों से इसको कंटिन्यूसली घुमाते जाना है, एक ही साइड से घुमाना है। और इसको स्लीप हो रहा है, इसके ऊपर से रखेंगे, इसको थोड़ा फेंट लेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके बटर देंगे। इसका प्रोसेस है, बटर और योग को इसके साथ इमल्सिफाई करना है, मतलब दोनों को एक साथ मिलाते जाना है, रुकना नहीं, कंटिन्यूसली घुमाना है, नहीं तो ये फट सकते हैं। टाइट होते जा रहा, टाइट होते जा रहा है, तो उसको टाइट को थोड़ा पतला करने के लिए मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया। विनेगर डालने से ये फिर से पतला हो जाता है। तो फिर से बटर डालेंगे, और बटर डालेंगे, फिर फिर से थोड़ा पतला करने के लिए विनेगर बटर, एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा 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 करके इसको डालना होता है। पता नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको अभी करेंगे सीजनिंग, तो सीजनिंग करने के लिए सॉल्ट, ये घुमा देंगे।